नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार रियल फैक्ट 0.1 पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको पता नहीं होंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी सुभद्रंगी का पुत्र था। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। एक शासक के रूप में सम्राट अशोक विश्व इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद हुआ था। अभिलेखों के साहित्यिक ग्रंथों में सम्राट अशोक का देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना आवश्यक था क्योंकि दक्षिण के साथ ही सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य के समुद्र और स्थल मार्ग पर नियंत्रण होना जरूरी था। कौटिल्य के अनुसार कलिंग साम्राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग के हाथी कुपा अभिलेख से प्रकट होता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी दी गई है। अशोक के अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कोटियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। हेनसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर का निर्माण करवाया था। दिव्य व्याधन से पता चलता है कि अशोक के समय तक बंगाल मौर्य साम्राज्य का अंग्रह। हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखा था। हल्लन द्वारा रचित ग्रंथ राज तरंगिणी के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का उपासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक का बौद्ध होने का प्रमाण उसके वैराट राजस्थान लघु शिलालेख से प्राप्त होता है जिसमें अशोक ने स्पष्टता बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन किया है। अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्मावलंबियों को पुनर्गठित करने के लिए बौद्ध परिषद का तीसरा महासम्मेलन आयोजित किया गया। कलिंग युद्ध की विभीषिका अंतक ने अशोक के मन को बुरी तरह झाग जोड़ दिया क्योंकि इस युद्ध का कलिंग के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध की नृशंसता और व्यापक हिंसा को देखकर अशोक हृदय पश्चाताप से भर गया। परिणाम स्वरूप उसने आक्रमण और विजय की नीति त्याग कर धर्मघोष की नीति का अनुसरण किया। अशोक के धर्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति का आधारशिला रखना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ गया। अशोक के धर्म में महिमा को स्वीकृत प्रदान करने और समाज के क्रियाकलापों में नैतिक उत्थान की भावना का संचार करने का आग्रह था। अशोक का धर्म विस्तृत विभिन्न धर्मों से तन्मय है। वह नैतिक आचरणों के एक संग्रह है जो जियो और जीने दो की मूल मुद्दे पर आधारित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म ही था, लेकिन यह भी सच है कि अशोक सभी धर्म का आदर करता था और सभी पंथों एवं संप्रदाय के नैतिक मूल्यों के बीच पाए जाने वाली एकता में विश्वास करता था। रोमिला थापर ने अशोक के धर्म की तुलना अकबर के दीन-ए-इलाही से की है। उनके शब्दों में अशोक का धर्म औपचारिक धार्मिक विश्वासों पर आधारित सत्कर्मों से प्रस्तुत नैतिक पवित्रता ही सीमित नहीं था बल्कि वह सामाजिक द्वायिक बोध से भी प्रेरित था। वस्तुत्व यह कहा जाता है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखक में धर्म कहा गया है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ऐसे अनेक कमजोर शासक आसीन हुए जो मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा पाने में असमर्थ साबित हुए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है: मुजाल, दशरथ, संप्रति, शलिशुल्क, देववर्मन और सातधनवा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसके हत्या करने पर पश्चात उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। सम्राट अशोक को शासन में
सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद को व्यवस्था थी। प्रमुख मंत्रियों को तीर्थक कहा जाता था। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासक के लिए सप्रंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें राजा, अमात्य, मित्र, कोष, दुर्ग, सेना तथा देश शामिल थे। मौर्य शासन राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, ज्येष्ठधारिका, देव के ग्रंथों तथा निरंकुशता पर आधारित था। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय शासन की व्यवस्था की। अशोक के अभिलेखों से साम्राज्य के 5 प्रांतों में विविधता होने का संकेत मिलता है एवं केंद्रीय प्रशासन का प्रांतों पर नियंत्रण होने का उल्लेख मिलता है। मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, ये थे सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको पता नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।